आज है 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 11 नवंबर से शुरू होंगे राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू, 29 अक्टूबर को एडमिट कार्ड। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी। 11 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। 1551 उम्मीदवार को बुलाया गया। आयोग ने घंटे भर पहले उम्मीदवारों को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए। गाइडलाइन के आधार पर उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना है। एमपी में त्योहारों पर बड़ी सौगात, हाईकोर्ट का वेतन वृद्धि देने का फैसला, जारी किया आदेश। दिवाली का महापर्व पास आ चुका है, त्योहारों पर हर किसी को पैसे की दरकार होती है। ऐसे में मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली। हाईकोर्ट ने वेतन वृद्धि पर एक अहम फैसला सुनाते हुए इसका लाभ संबंधित पूर्व कर्मचारियों को देने का आदेश जारी किया है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट का आदेश मध्य प्रदेश के कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी लाभदायक साबित होगा। भोपाल में 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव, 17 से देश भर के 600 उद्योगपति और शिक्षाविद जुटेंगे। भोपाल में 17-18 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में खनन कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश के 600 इंडस्ट्रियलिस्ट और शिक्षाविद हिस्सा लेंगे। इस कॉन्क्लेव में डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग और खनन उद्योग में उनके योगदान पर चर्चा की जाएगी। संभागायुक्त ने दिए हॉस्टल और आश्रमों के निरीक्षण के निर्देश। संभाग के समस्त शासकीय चिकित्सालयों, छात्रावास और आश्रमों का राजस्व अधिकारी सघन निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लें। समस्त राजस्व अमला राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लेट लतीफी और कोताही ना हो, सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत का तय समय सीमा में निराकरण किया जाए। शिकायत के L1 स्तर पर नॉन अटेंड करने वाले संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अब शांति एक्सप्रेस में लगेंगे LHP रैक, आसान होगा यात्रियों का सफर। मध्य प्रदेश से गुजरात जाने वाले यात्रियों के ट्रेन सफर अब सुरक्षित और आरामदायक होगा। इंदौर से गांधीनगर तक जाने वाली शांति एक्सप्रेस ट्रेन के लिए रेल विभाग ने LHP रैक तैयार कराए हैं। फरवरी माह से उसके साथ रेलगाड़ी का संचालन होगा। 18 अक्टूबर से शुरू होगा जत्रा, मराठी व्यंजनों के स्टॉल। मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित जत्रा 18 अक्टूबर से शुरू होगा। इस साल जत्रा 20 अक्टूबर तक चलेगा और पोद्दार प्लाजा गांधी हॉल इंदौर पर आयोजित किया जाएगा। संस्था के सुधीर दांडेकर और राजेश शाह ने बताया कि हर साल जत्रा के लिए जनता की रुचि बढ़ती जा रही है, इससे हमारी ऊर्जा और उमंग भी बढ़ती है और हमें इस आयोजन को और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है। लौटते मानसून का बदला मिजाज, इंदौर उज्जैन समेत 25 जिलों में बारिश का अलर्ट। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में बनी मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आ रही है, इस वजह से मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार को भी भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। कूनो में माह के आखिर में जंगल में छोड़े जाएंगे चीते। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे गए अफ्रीकी चीतों को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चरणबद्ध तरीके से जंगल में छोड़ा जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक सबसे पहले वायु और अग्नि नाम के 2 चीतों को छोड़ा जाएगा। अधिकारी इन चीतों के व्यवहार को देखेंगे और फिर इसके बाद चीतों को छोड़ेंगे। इसके लिए जंगल सफारी बनाने और नई भर्तियों का काम जोरों पर है। हाल ही में हुई चीता स्थायी समिति ने इसके लिए हरी झंडी दे दी। राहुल गांधी ने की कमलनाथ से मुलाकात, चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नई दिल्ली उनके आवास पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के बाद से कमलनाथ के पास संगठन का कोई दायित्व नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाने का दायित्व दिया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी कमलनाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। दोपहर का भोज पर दोनों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के अलावा प्रदेश में संगठन की सक्रियता बढ़ाने सहित अन्य विषयों पर लंबी चर्चा हुई। उज्जैन झालावाड़ के बीच नई रेल सेवा।
उज्जैन से झालावाड़ के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने को पश्चिम मध्य रेलवे ने योजना तैयार कर ली है। योजना एक दो नहीं बल्कि तीन है। समझाने को नाम पिंक ब्लू रेड रखा है। पिंक योजना 2836 करोड़ रुपए की, ब्लू योजना 2727 करोड़ रुपए की और रेड योजना 2697 करोड़ रुपए की है। तीनों योजना में उज्जैन से आगर तक का रूट अलग अलग है। मिलावटखोरों को पकड़ने अब आधार से माल बुकिंग की तैयारी। मिलावटी खाद्य पदार्थ को पकड़ने अब माल बुकिंग के लिए आधार नंबर लिंक कराना अनिवार्य किए जाने की तैयारी चल रही है। आधार लिंक न होने पर माल बुक नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था से बाहर भेजे जाने वाले माल के मालिक का पता आसानी से चल जाएगा। व्यवस्था को लागू कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग परिवहन विभाग की मदद लेगा। अभी तक इस तरह की व्यवस्था न होने के कारण बस व ट्रेन के जरिए मिलावटी खाद्य पदार्थ आसानी से दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की दो सीटों बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को उपचुनाव, 23 को नतीजे। मध्य प्रदेश के दो सीटों बुधनी और विजयपुर पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। मुख्य चुनाव आयोग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश की इन दोनों सीटों के लिए भी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। विजयपुर और बुधनी में 13 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। दवा सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रीज में पहुंची एसडीएम, जांची सामग्री स्टॉक। जिले के सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में स्थित दवा सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रीज के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी, आयुर्वेदिक और अन्य चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं व लिकर इत्यादि के निर्माण के उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का बारीकी से जायजा किया। मध्य प्रदेश में फिर हुए तबादले, बदले गए अधिकारी। मध्य प्रदेश में हाल ही में पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए थे। इसके बाद अब नगरीय विकास और आवास विभाग ने नगर पालिका अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी कर दिया है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने कल ही तबादला सूची जारी की। उप सचिव प्रमोद कुमार शुक्ला ने 5 नगर पालिका अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। सरकार ने सेट की BSNL 5G डेडलाइन, इस दिन से मिलेगा सस्ता हाई स्पीड डेटा और कॉलिंग। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की तरफ से स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से 5G सर्विस की डेडलाइन को सेट कर दिया गया है। सरकार अगले साल मई 2025 तक 100,000 बेस स्टेशन लगाएगी। इसके बाद कंपनी जून 2025 तक 5G सर्विस में स्विच हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका खुलासा किया है। इंदौर में 250 बेड का ट्रॉमा सेंटर, रीवा में कैंसर यूनिट की क्षमता 200 बेड की होगी। इंदौर के सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 250 बिस्तर क्षमता का ट्रॉमा सेंटर बनेगा। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। उन्होंने छात्रावास उन्नयन, मल्टीलेवल पार्किंग और अन्य सुधार कार्यों की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा मेडिकल कॉलेज की कैंसर यूनिट में अत्याधुनिक लीनैक मशीन, पेट स्कैन सुविधा की व्यवस्था की गई। शिवपुरी में खाद के लिए वितरण केंद्रों पर सो रहे किसान, आधार कार्ड और किताबों से लगाई कतार। खाद की कमी से किसान इतने परेशान हैं कि उन्हें वितरण केंद्रों पर ही रात बितानी पड़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि आधार कार्ड और किताबें रखकर नंबर लगाने के बाद किसानों ने वहीं बिस्तर भी डाल दिया। सोमवार रात से लेकर मंगलवार सुबह तक ऐसा ही नजारा सामने आया। प्रशासन ने सोमवार को घोषणा करवाई थी कि सुबह 8 बजे से कोलारस नई तहसील में टोकन बंटना शुरू होंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएगी 26 डिजिटल मूल्यांकन केंद्र, प्रदेश के प्रमुख नगरों में होगी स्थापना। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में नई योजना से परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के परिवहन से लेकर मूल्यांकन तक की प्रक्रिया में समय की बचत होगी। परिणाम की शीघ्र घोषणा संभव होगी। डिजिटल मूल्यांकन केंद्रों की स्थापना विश्वविद्यालय से संबद्ध डिजिटल मूल्यांकन केंद्रों की स्थापना विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी कॉलेजेस में होगी। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल ने पिछले 5 महीनों में 12,858 शिकायतों का किया समाधान। भोपाल मंडल में वार रूम माध्यम से 24 घंटे यात्रियों की शिकायतों को सुना जा रहा है। साथ ही रेल मदद पोर्टल ऐप से उनका निराकरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा शिकायतों का निपटारा आधे घंटे में किया जाता है। समाधान के बाद उनसे फीडबैक लिया जाता है ताकि सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके। अभी तक 17 जून से अक्टूबर तक 12,858 शिकायतों का समाधान किया गया है। भोपाल मंडल ने यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 सहित सभी शिकायत पोर्टल को एकीकृत कर रेल मदद प्लेटफॉर्म पर लाया है।
इन दवाइयों की 50% तक बढ़ सकती है कीमत। नेशनल ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने 8 दवाइयों के 11 फॉर्मुलेशन के दाम 50% तक बढ़ा दिए। इन दवाओं को बनाने की लागत में इजाफा होने के चलते स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और एनडीपीए की बैठक में यह फैसला हुआ है। एनडीपीए ने जिन दवाओं के दाम बढ़ाए इसमें ग्लूकोमा, अस्थमा, टीबी, थैलेसीमिया और मेंटल हेल्थ के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं। भारत के 7 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एक कनाडा डाइवर्ट। एक्स के जरिए एक पोस्ट में 7 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी दी गई। इसके बाद यात्रियों और एयरलाइन क्रू की जान खतरे में पड़ गई। सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गई। मंगलवार को 7 विमानों में बम की धमकी दी गई। इसमें एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जा रही फ्लाइट में बम होने की बात कही गई। इसके बाद फ्लाइट को कैनेडा की ओर मोड़ दिया गया जहां फ्लाइट की जांच की जाएगी। इंडिया ने बनाया खुद का आयरन डोम, पोखरण में किया परीक्षण। हिजबुल्लाह और ईरानी मिसाइलों से इसराइल को एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बचा रहा है। ऐसा ही एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने भी विकसित कर लिया है। डीआरडीओ द्वारा बनाए गए इस डिफेंस सिस्टम की पोखरण में सफल टेस्टिंग हुई। ये 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये पोर्टेबल है और इसमें 6 किलोमीटर की रेंज में उड़ने वाले विमानों, मानव रहित प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया जा सकता है। SBI ने दिवाली से पहले 1 करोड़ ग्राहकों को दिया तोहफा, लोन किया सस्ता। भारतीय स्टेट बैंक ने लोन पर अपनी लेटेस्ट मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट की घोषणा की है। इसके साथ ही SBI ने एक MCLR अवधि की ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है जबकि अन्य दरें अपरिवर्तित रहेंगी। संशोधित MCLR 15 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। ECI ने कहा जनता ने दे दिया जवाब, EBM 100% सुरक्षित। ECI राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा चुनाव में बड़ी संख्या में शामिल होकर जनता ने जवाब दे दिया है कि EVM 100% फुल प्रूफ है। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। कई कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा था कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के पेजर्स को हैक कर लिया है, उसी तरह EVM को भी हैक किया जा सकता है। PM मोदी के इसराइल से संबंध अच्छे हैं, EVM में खेल हो सकता है। भारत अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डील पक्की। भारत यूएसए के बीच 31 MQ-9B ड्रोन्स के लिए 32,000 करोड़ की डील हुई। इसके तहत भारत में इनके लिए मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरऑल फैसिलिटी भी डेवलप की जाएगी। ये 31 ड्रोन्स भारत की 3 सेनाओं को वितरित होंगे। MQ-9B हंटर किलर ड्रोन ज्यादा ऊंचाई पर और लंबे समय तक उड़ सकता है, इसे प्रीडेटर भी कहते हैं। वायुसेना और आर्मी इन्हें सरसावा और गोरखपुर बेस पर तैनात करेगी, इससे चीन पर नजर रखना आसान होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।